नमस्कार प्यारे बच्चों बच्चों मैं स्टार्ट करने वाला था क्लास टेंथ की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाला था केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। लेकिन बच्चों की प्रॉब्लम को देखते हुए, बच्चों जब भी हम क्या है केमिस्ट्री का कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसके कुछ बेसिक नीड्स को, बेसिक पॉइंट्स को हमें समझना होता है कि जो बहुत ज़रूरी होते हैं। यदि हमें उन बेसिक पॉइंट्स पर काम नहीं किया है और हमने चैप्टर को पढ़ लिया, चाहे हमने चैप्टर को कितना भी अच्छा पढ़ लिया है लेकिन हमारे बेसिक मजबूत नहीं है, तो हमें जो हमने चीज़ें रट ली हैं या जो चीज़ें पढ़ ली हैं वो तो हम कर सकते हैं, लेकिन यदि वो उसमें चेंज होके आ गया, क्वेश्चन थोड़ा सा बदलाव होके आ गया, क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव हुआ, ठीक है, तो हम चीज़ों को उतना अच्छे से नहीं कर पाते हैं जितना हमें करना चाहिए था। ठीक है, हमें पूरा चैप्टर याद है लेकिन हम भी फिर भी क्या है, कुछ चीज़ें हमसे छूट जाती हैं। तो बच्चों मैं यहाँ पर इस लेक्चर में आपको टेंथ क्लास जो केमिस्ट्री है उसमें यूज होने वाले, जो भी चैप्टर के अंदर स्टार्ट करने से पहले यूज होने वाले कुछ बेसिक पॉइंट्स पर क्या है, मैं इस चैप्टर के अंदर आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक छोटे से इशू पर बात करना चाहते हैं। जैसे हम एज ए टीचर हम क्लास में जाते हैं तो सबसे पहले हमसे पूछते हैं कि भाई बच्चे आप ये बताइए कि आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक बेसिक नॉलेज चेक करने के लिए पूछा जाता है कि बच्चों आपको एलिमेंट्स पता है ना क्या होते हैं, एलिमेंट्स, ठीक है, एटम के बारे में पता है, मॉलिक्यूल के बारे में पता है, ठीक है। तो कुछ बच्चों को क्या है, मेजर समस्या यही रहती है कि बच्चों को बेसिक क्लियर नहीं होती है, ना तो उन्हें एलिमेंट्स के बारे में ज़्यादा जानकारी होती है, ना एटम्स, ना मॉलिक्यूल्स, और ना ही उनको कंपाउंड्स के नाम या उनका सिंबल पता होता है। मेन चीज क्या होती है, एलिमेंट्स में मान लीजिए किसी बच्चे से एज ए टीचर हमने पूछा कि सोडियम का सिंबल बताइए, तो कुछ बच्चे क्या होता है एस बताते हैं, कुछ बच्चे एन ए बताते हैं। अब जिन्होंने एन ए बताया है उनको वो बिल्कुल ठीक बताया, लेकिन जिन्होंने एस बताया ना वो तो गलत है ना। अब ये ही बच्चे जब आप केमिस्ट्री इनको पढ़ाएंगे, ठीक है, या फिर क्या है कोई दूसरा, मैं सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला पूछ रहा हूँ तो कुछ बच्चे बताते हैं सर एन ए एस ओ फोर होता है, लेकिन एक बच्चा, दो बच्चे बता रहे हैं सर एन ए टू एस ओ फोर होता है, ठीक है। यानी इस बच्चे को पता है कि सोडियम का सिंबल एन ए टू एस ओ फोर है, तो ऑब्वियसली चीजें क्या होंगी, इस बच्चे को समझ में भी ज्यादा आएंगे क्योंकि इसको पहले से पता है ना कि सर सोडियम का सिंबल ये है, ठीक है, सोडियम सल्फेट का सिंबल ये है, या लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला ये है, या फिर हमारे पास एसिटिक एसिड का फॉर्मूला ये है। तो मेन थिंग्स क्या क्या आती है, नेमिंग ही। तो भाई हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले आप समझिए कि हम क्लास में गए, क्लास में एक केमिस्ट्री का टीचर पढ़ाएगा क्या, वो सीधा आप एलिमेंट से स्टार्ट, वो जैसे ही चैप्टर स्टार्ट करेगा केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन, तो वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन लिखेगा, उसके बाद उसको केमिकल इक्वेशन लिखेगा, कंपाउंड्स के नेम लिखेगा, उनका वैलेंसी वगैरह जो भी उसमें यूज होने वाला जरूरत की चीजें वो लिखेगा। लेकिन बच्चों को क्या है, पहले से वो चीजें पता ही नहीं है कि भाई ये सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला है कैसे, ये आया कैसे, इसके यहाँ पर हमने टू क्यों लगाया है, ठीक है। तो आज मैं यही बताने के लिए यहाँ पे आया हूँ, इस लेक्चर में मैं यही बताऊंगा कि आप क्या है टेंथ क्लास को पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले के बेसिक चीजें आपको मालूम है या नहीं है। यदि आपको बेसिक चीजें मालूम नहीं है तो आप इतना अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं जो आपको करना चाहिए, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इसमें टेंथ क्लास में यूज होने वाले सम बेसिक पॉइंट्स, ठीक है। और पहला पॉइंट जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मेरे प्यारे बच्चों, वो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ नेम ऑफ एलिमेंट्स। लेकिन उससे पहले मैं एक डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। आपसे पूछा जाएगा एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों लिखना द प्योर सबस्टांस मेड अप ऑफ same kind of atoms, the pure substance made up of same kind of atoms known as elements। मान लीजिए कि मैंने हाइड्रोजन लिखा, मैंने सोडियम लिखा, मैंने आयरन लिखा, मैंने कॉपर लिखा, मैंने हीलियम लिखा, मैंने नाइट्रोजन लिखा, ऑक्सीजन लिखा, टंगस्टन लिखा, ठीक है, यूरेनियम लिखा। ये मेरे प्यारे बच्चों मैंने कुछ एलिमेंट्स के सिंबल लिखे हैं, राइट। मैं यहां पर बात करता हूं Fe की, तो Fe मतलब क्या होता है, आयरन। तो आयरन एक एलिमेंट है, आयरन क्या है, एलिमेंट है।
तो मान लीजिए मैंने आयरन का ये पीस ले लिया है, दिस द पीस ऑफ आयरन, तो यदि एक एलिमेंट है ना तो आयरन के एटम से मिलकर बना होगा, आयरन के एटम से मिलकर बना होगा, ये सारे आयरन के एटम से, राइट। और हर एलिमेंट्स का ये सेम टाइप से है, इसका भी सिंबल Fe होगा, इसका भी सिंबल Fe होगा, इसका भी सिंबल Fe होगा, और एक्चुअल में ये Fe क्या है, एटम्स है। अब इसमें हमें एक चीज दिख रही है कि किसी एलिमेंट का सिंबल भी एटम के सिंबल के जैसा होता है, क्यों, क्योंकि एलिमेंट बना किससे होता है, एटम के कॉम्बिनेशन से, और सारे एटम कैसे होते हैं, सेम है। अब सारे एटम का फॉर्मूला मैं सारा अलग अलग करके थोड़ी लिखूंगा, सारे एटम्स एक जैसे दिख रहे हैं तो उनको रिप्रेजेंट किससे करूंगा मैं, Fe से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि एटम का यदि आप कोई सिंबल लिख ले वो एलिमेंट का भी सिंबल होता है, ठीक है, यानी आयरन का ये एटम भी है, यदि मैं उसको एक एंटिटी मान रहा हूँ, एक कण मान रहा हूँ, एक पार्टिकल मान रहा हूँ, और यदि मैं उसमें बहुत सारे ऐसे ही पार्टिकल मान रहा हूँ, तो फिर मैं उसको मेरे प्यारे बच्चों एलिमेंट बोलूंगा। एलिमेंट का सिंबल सब बच्चों को पता होना चाहिए। और हम सबसे बड़ी बात क्या है कि 118 देयर आर 118 एलिमेंट डिस्कवर्ड टिल नाउ, अब तक 118 एलिमेंट डिस्कवर्ड हो चुके हैं, लेकिन हमें सारे एलिमेंट्स को अभी लर्न नहीं करना है, हमें जरूरत की चीजें जो हमारी केमिस्ट्री को समझने के लिए जरूरत के एलिमेंट्स होंगे मैं उन पर ही फोकस करूंगा। तो मैं यहां पे लिखना चाह रहा हूं नेम ऑफ एलिमेंट, तो पहला एलिमेंट इधर मैंने एलिमेंट लिखा, एलिमेंट्स, यहां पर क्या लिख देता हूं उनका सिंबल, और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों उनका लिख लेता हूँ मैं एटॉमिक नंबर। अभी आप एटॉमिक नंबर भी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा यदि याद नहीं है तो, ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स का नाम क्या है। जैसे फर्स्ट एलिमेंट है मेरे पास हाइड्रोजन, याद रखना ही रखना है आपको हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, एच होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है। नेक्स्ट है हीलियम, हीलियम का सिंबल एच ई होता है और एटॉमिक नंबर 2 होता है। नेक्स्ट है मेरे पास लिथियम, लिथियम का सिंबल एल आई होता है और एटॉमिक नंबर 3 होता है। बेरिलियम, बेरिलियम का सिंबल बी ई होता है और एटॉमिक नंबर 4 होता है। बोरॉन, बोरॉन का सिंबल बी होता है, एटॉमिक नंबर 5 होता है। कार्बन, कार्बन का सिंबल सी होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है। सबसे पहले आपको क्या है एलिमेंट्स पता होना चाहिए। नेक्स्ट एलिमेंट स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एन होगा और एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 7। उसके बाद है ऑक्सीजन, तो 7 एलिमेंट आपको ये ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल ओ है और एटॉमिक नंबर इसका 8 है। फ्लोरीन, FLUORINE, फ्लोरीन का सिंबल क्या होता है, F होता है, एटॉमिक नंबर 9 होता है। नेक्स्ट होता है नियॉन, नियॉन का सिंबल NE होता है, एटॉमिक नंबर 10 होता है। नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम, सोडियम, तो सोडियम वाले केस में आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों कि इसको बोलते सोडियम है लेकिन रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम इसे, Na से, क्योंकि Na लिया गया है लेटिन वर्ड होता है, लेटिन वर्ड नेट्रियम, नेट्रियम होता है, वहां से इस वर्ड को लिया गया है और एटॉमिक नंबर इसका होता है 11। वहां से इस दो वर्ड को ले लिया गया और इसको रिप्रेजेंट कर दिया गया, बोल दिया गया सोडियम, यानी नाम सोडियम है लेकिन रिप्रेजेंटेशन उसे Na से करते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है ये वाला पोर्शन। नेक्स्ट है मैग्नीशियम या मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का होता है Mg और एटॉमिक नंबर होता है इसमें 12। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का सिंबल Al होता है और एटॉमिक नंबर होता है 13। नेक्स्ट होता है सिलिकॉन, नेक्स्ट में स्टार्ट करने वाला हूं सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन का Si होता है, एटॉमिक नंबर होता है 14। नेक्स्ट है फास्फोरस, फास्फोरस,
फास्फोरस का पी होता है और एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15 होता है। तो 15 एलिमेंट तो आपको ये लर्न करने हैं, और उसके बाद क्या है कि एलिमेंट्स को मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ। सल्फर, अब बहुत सारे बच्चे क्या है सोडियम का सिंबल एस लिख देते हैं, जबकि वो होता है सल्फर का सिंबल, राइट। तो 16 वो गलती नहीं करनी है। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट है क्लोरीन। सल्फर के बाद आता है क्लोरीन, क्लोरीन का सिंबल क्या होता है, Cl, और एटॉमिक नंबर होता है 17। नेक्स्ट है आर्गन, ARGON, आर्गन का सिंबल होता है AR और एटॉमिक नंबर होता है 18। पोटेशियम, पोटेशियम पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि सोडियम और पोटेशियम में थोड़ी मिस वो होती है नाम और सिंबल में। नाम पोटेशियम है लेकिन सिंबल K है, तो K भी क्या है, एक लेटिन वर्ड कैलियम से लिया गया है, कैलियम, तो 19 होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कैल्शियम, तो कैल्शियम का सिंबल हो जाएगा Ca और एटॉमिक नंबर हो जाएगा 20। तो 20 तक तो आपको मेरे प्यारे बच्चों ये लर्न करने हैं, ठीक है। उसके बाद बीच बीच से कुछ एलिमेंट्स के नाम और आपको ध्यान रखने हैं, जिससे क्या है हमें अपने बेसिक क्लियर करने में मदद मिलेगी और उससे चैप्टर पढ़ने में मदद मिलेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है स्कैंडियम, आपको ध्यान रखना नहीं है, टाइटेनियम ध्यान रखना, वेनेडियम नहीं, क्रोमियम आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों, क्रोमियम, क्रोमियम। तो क्रोमियम होता है Cr और Cr का एटॉमिक नंबर होता है 24। फिर आपको मैग्नीज ध्यान रखना है, MnGaNeSe, मैग्नीज का सिंबल होता है कैपिटल M छोटा n, तो यहां पर हो जाएगा 25। नेक्स्ट है आयरन, आयरन, आयरन का ध्यान रखना है Fe, और ये भी फेरम से लिया गया है, ये भी लेटिन वर्ड कहां से है, फेरम से, ठीक है। और सिंबल कहां आया है, Fe, एटॉमिक नंबर हो जाएगा 26। कोबाल्ट ध्यान रखना है, कोबाल्ट में C बड़ा होता है O छोटा, और एटॉमिक नंबर होता है 27। उसके बाद निकल आता है, निकल का एटॉमिक नंबर सिंबल होता है Ni, और एटॉमिक नंबर कितना होता है 28। फिर आता है इसके अंदर क्या है, कॉपर, COPPER, कॉपर में भी ध्यान रखना है, कॉपर स्पेलिंग COPPER है लेकिन सिंबल Cu है, सिंबल क्या है, Cu, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास 29। नेक्स्ट है हमारे पास जिंक, नेक्स्ट हमारे पास है जिंक, तो जिंक का सिंबल हो जाएगा Zn और एटॉमिक नंबर हो जाएगा 30। ये 30 तक क्या है, आपको क्या है कुछ एलिमेंट्स के नाम बिल्कुल ही याद होने चाहिए, यदि एलिमेंट्स के नाम याद नहीं है, ठीक है, तो प्रॉब्लम आएगी, 100% आपको प्रॉब्लम आएगी चैप्टर सबको समझने में, ठीक है। तो या तो आप इन पे काम करिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम झेलने के लिए तैयार रहिए, नंबर कटवाने के लिए तैयार रहिए, आप नंबर इतने ज़्यादा नहीं आएंगे यदि आप चीज़ों को अलर्ट नहीं करेंगे तो। इसके अतिरिक्त क्या है कुछ और एलिमेंट्स के नाम ध्यान रखने, जैसे कि अब हमें ध्यान रखना है ब्रोमीन का नाम, ब्रोमीन, तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर, ब्रोमीन हो जाएगा मेरे पास क्या, Br, और Br का एटॉमिक नंबर होता है 35। Br का एटॉमिक नंबर होता है 35। नेक्स्ट है आयोडीन, नेक्स्ट है आयोडीन, आयोडीन का आई होता है और एटॉमिक नंबर होता है 53, एटॉमिक नंबर 53। नेक्स्ट हमें क्या है, सिल्वर ध्यान रखना है, सिल्वर, सिल्वर, अब सिल्वर होता है मेरे पास Ag, लेकिन Ag आया कहां से, ग्रीक वर्ड आर्जेंटम से, आर्जेंटम से, एटॉमिक नंबर होता है 47। तो ये मेरे प्यारे बच्चों हमें पता होना चाहिए, जैसे लेड हो गया हमारे पास, लेड, अब लेड होता है हमारे पास Pb, लेड क्या होता है, Pb, तो ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद इतने एलिमेंट्स यानी लगभग हमें क्या है 35 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, उनका सिंबल सब बच्चों को आना चाहिए। तो ये हमारे पास हो गया लेड, और लेड के बाद हमारे पास आ जाएगा गोल्ड, आ जाएगा गोल्ड को लिख देंगे हम क्या है, AU, AU। सिमिलरली प्लेटिनम आ जाएगा, प्लेटिनम, और प्लेटिनम को लिख देंगे हम मेरे प्यारे बच्चों PT। तो ये हमें क्या है एलिमेंट्स पता होना चाहिए, उनके सिंबल पता होना चाहिए, राइट। अब मैं बात करता हूं कंपाउंड्स की,
कि हाउ टू राइट द नेम ऑफ कंपाउंड्स। तो कंपाउंड कोई यदि हमें दिया गया है, लेड नाइट्रेट है या लेड आयोडाइड है, ये चीजें आती रहती हैं। ये चीजें टेंथ क्लास के अंदर है, MnO2 है, मैग्नीज डाइऑक्साइड जिसे बोलते हैं, मैग्नीज फोर्थ ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है, या CuO है जिसे कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं या कॉपर सेकंड ऑक्साइड बोलते हैं, Cu2O है जिसे कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड बोलते हैं। तो ये सारे नाम हम लिखते कैसे हैं, हमें कैसे पता ये ऑक्साइड है, परऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड है, ये सारी बातें हमें कैसे पता चलेंगी। तो उससे पहले हमें क्या है याद रखने पड़ेंगे, जब भी हम किसी कंपाउंड का नाम लिख रहे हैं तो हमें पहले एलिमेंट, सबसे पहले एलिमेंट्स का नाम पता होना चाहिए। दूसरा, हमें नेम ऑफ सम आयंस, नेम ऑफ सम कैटायंस, कैटायंस होते हैं मेरे प्यारे बच्चों पॉजिटिव चार्ज आयन। तो ये पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं। तो इन चार्ज आयंस को हमें पता होना चाहिए कि भाई ये जो कैटायंस है ना, ये कौन कौन से हैं, इनका सिंबल प्लस इन पर होने वाला चार्ज। यदि आपको चार्ज मालूम नहीं है ना, तो तब भी आप क्या है, तब भी आपका फॉर्मूला गलत हो जाएगा। तो चार्ज सहित आपको ये सब याद रखना है। बाद में ये चार्ज आता कैसे है वैलेंसी के थ्रू, वो बाद की बातें हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये आपको याद रखना है, लर्न करना है, ठीक है। पहला हो जाएगा मेरे पास H+, H है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है, नाम हाइड्रोजन लिखा जाएगा, नाम लिखा जाएगा हाइड्रोजन। Na है, प्लस का साइन है, सोडियम लिखा जाएगा, ध्यान रखना प्लस का वन है। K है, प्लस का वन है, इस पर पोटेशियम लिखा जाएगा, पोटेशियम ही लिखा जाएगा। उसके बाद आ जाएगा Ag, और Ag के ऊपर भी प्लस वन चार्ज है, तो इसको बोला जाएगा सिल्वर, क्या बोला जाएगा सिल्वर, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारे पास, नेक्स्ट है Be, Be के पास 2+ है, तो इसको चार्ज तो आपको ध्यान रखना है, नाम बेरिलियम ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट होगा हमारे पास Mg के ऊपर 2+ है, तो मैग्नीशियम ही लिखा जाएगा, लेकिन चार्ज आपको ध्यान रखना मैग्नीशियम पे 2+ होता है। सिमिलरली क्या है, कैल्शियम है, कैल्शियम पे 2+ है, तो कैल्शियम लिख देंगे इसके लिए, कैल्शियम लिख देंगे। Ba बेरिलियम है, बेरिलियम पर भी बेटा 2+ चार्ज होता है, तो इसको बेरियम लिख देंगे, एक्चुअल में बेरियम है, ठीक है, ये बेरिलियम है और ये क्या है, बेरियम है। तो ऐसे हमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज ध्यान रखने हैं। सिमिलरली क्या होगा, नेम ऑफ, यहाँ पे नेगेटिव आयन्स आएंगे, यहाँ पर मैं दूसरा पॉइंट जो लूंगा वो नेम ऑफ नेगेटिव आयन, नेम ऑफ नेगेटिव आयन्स, नेम ऑफ नेगेटिव आयन्स को मैं एन आयन्स के नाम से जानता हूँ, इनको मैं एन आयन्स बोलूंगा, नेगेटिव आयन्स को क्या बोलूंगा, एन आयन्स। जैसे मेरे पास Cl है, उस पर माइनस का वन चार्ज होता है, तो उसके लिए मेरे प्यारे बच्चों आप लिखोगे क्लोराइड, Br- को लिखोगे आप ब्रोमाइड, I- को लिखोगे आप आयोडाइड, F- को लिखोगे आप फ्लोराइड, OH- को लिखोगे आप हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, CO3- को लिखोगे आप कार्बोनेट, कार्बोनेट। तो ये आयंस आपको क्या है, प्रॉपर होने चाहिए। अब बात मैं इनको लिखवा क्यों रहे हैं, क्योंकि ये आयन तो बहुत सारे हैं, मुझे बहुत सारे आयंस लिखवाने हैं, लेकिन इन आयंस की हेल्प से, जो भी आयंस सामने लिख रहे हैं, इनसे मैं सबसे पहले आपको कुछ कंपाउंड्स बना के बता रहा हूँ कि भाई कोई हम इन आयंस को मिलाकर कोई कंपाउंड कैसे लिखें। फॉर एग्जाम्पल हमें लिखना है, यहाँ पे मैं एक सिंबल और लिख देता हूँ, SO4-2-, इसको बोलते हैं हम सल्फेट, सल्फेट। अब बच्चे क्या कभी मिस्टेक करते हैं कि जब मैं सल्फेट आयन का सिंबल बोलता हूँ तो बच्चे कहते हैं SO4, ठीक है, और कोई चार्ज नहीं लगाते हैं, ठीक है, या फिर क्या है फोर को ऊपर लगाते हैं, तो ये मिस्टेक हमें नहीं करनी है, SO4 लगाना है और बाद में ऊपर लगाना है 2-,
तो आयंस लिखते समय जैसा आयंस लिखाया जा रहा है वैसा ही लिखना है। अब इन आयंस का यूज क्या है, हम इन आयंस को पढ़ क्यों रहे हैं। अब देखिए आसानी से, हमें मान लीजिए हमारे पास है बेरियम सल्फेट, हमें फॉर्मूला बनाना है, बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला हमें लिखना है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा बेरियम आयंस लिखूंगा, तो बेरियम पर कितना चार्ज होता है, बेरियम का सिंबल भी है और चार्ज है तो प्लस। ऐसे ही सल्फेट का सिंबल क्या है, SO4 है और चार्ज है 2+। इसी में ये होता है कि जब दो आयंस कंबाइंड होते हैं, जैसे मान लीजिए एक नेगेटिव है और एक आयन है और वो दोनों आपस में कंबाइंड हो रहे हैं, तो शर्त ये है कि दोनों का चार्ज बराबर होना चाहिए। चार्ज बराबर है तो उसमें हम कोई एडिशनल मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, नहीं तो फिर हम क्या है मल्टीप्लाई कर चार्ज बराबर करते हैं, क्योंकि इन दोनों में चार्ज बराबर है। ठीक है, तो चार्ज कैंसिल आउट हो जाएंगे और कैंसिल आउट होने के बाद जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा BaSO4, क्योंकि दोनों के चार्ज सेम है, दोनों के चार्ज सेम है तो दोनों आयंस को जोड़ देंगे और उनके ऊपर से क्या है जो चार्ज है उसको हटा देंगे, तो फॉर्मूला बन गया हमारे पास BaSO4, बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला। ऐसे ही हमें क्या होता है बहुत सारे फॉर्मूले बनाने, मान लीजिए फॉर्मूला बनाना है हाइड्रोजन क्लोराइड का, मुझे फॉर्मूला बनाना है हाइड्रोजन क्लोराइड, यहाँ पर देख लेते हैं फॉर्मूला मुझे बनाना है हाइड्रोजन क्लोराइड, फॉर्मूला मुझे बनाना है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन के लिए मैंने लिखा हुआ है क्या H प्लस, H के ऊपर क्या लगाऊंगा मैं प्लस का साइन, और क्लोराइड के लिए लिखा हुआ है मैंने Cl माइनस। ठीक है, तो दोनों का चार्ज सेम है तो चार्ज, तो फॉर्मूला बन जाएगा HCl, फॉर्मूला क्या बनेगा HCl, यदि दोनों का चार्ज सेम है तो फॉर्मूला हमारा HCl बनेगा, फॉर्मूला HCl राइट, ये हमें ध्यान रखना है, ये पूरा पोर्शन हमें ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला HCl होता है। लेकिन इसके हम क्या है और भी चीजों को मिलाकर फॉर्मूला बनाते हैं, जैसे हमें बनाना है सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मूला, तो यहां पर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। तो व्हाट इज द सिंबल ऑफ सिल्वर, Ag+, ब्रोमाइड का सिंबल Br-। अब क्योंकि दोनों चार्ज सेम है भाई, इसका भाई ये पॉजिटिव ये सेम है लेकिन क्या है तो ये प्लस वन और ये क्या है माइनस वन, तो मैग्नीट्यूड सेम है तो इन दो आप ऐसे ही लिख दोगे, तो नाम फॉर्मूला हो जाएगा AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मूला। इस प्रकार से मैं क्या है सबसे पहले आपको ये लर्न करने है और मैं पॉजिटिव चार्ज लिख रहा हूँ और नेगेटिव भी लिख रहा हूँ, जो भी आपके चैप्टर में यूज होने वाले हैं सारे आयंस को मैं यहाँ पर इंक्लूड कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है ये चार्ज और इनसे कैसे फॉर्मूले बनाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। नेक्स्ट है सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला, सोडियम सल्फेट का मुझे लिखना है फॉर्मूला। तो मैंने अभी बताया कि सोडियम का सिंबल होता है Na और Na पर चार्ज होता है प्लस वन, सिमिलरली सल्फेट का सिंबल होता है SO4 और SO4 पर चार्ज होता है 2-। अब क्योंकि इसकी वैलेंसी प्लस वन है और इसकी वैलेंसी 2- है, तो इसको मैं क्या काम करूंगा, इसका जब मैं फॉर्मूला बनाऊंगा तो फॉर्मूला बनाते समय मुझे क्या काम करना पड़ेगा, दो तरीके हैं, एक तो वैलेंसी है चार्ज बराबर करेंगे तो मैं क्या काम करूंगा, ये दो नेगेटिव है और मुझे ये दो पॉजिटिव करना है, तो मुझे दो की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी Na में, दो की मल्टीप्लाई किसमें करनी पड़ेगी Na में। ठीक है, जब दो की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी अब इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, Na और उसकी संख्या 2, क्योंकि संख्या यदि मैंने 2 यहाँ पे रखा तो उसकी मल्टीप्लाई SO4 में भी हो जाएगी, जबकि SO4 मुझे 1 लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं सोडियम, तो इसलिए सोडियम के यहाँ पे लिख देंगे हम Na2 और बाद में लिख देंगे SO4। एक तो ये तरीका है जिससे क्या है चार्ज बराबर करते हैं। ठीक है, या फिर क्या है आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मुझे सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखना है और सोडियम का सिंबल Na प्लस है और SO4 का सिंबल 2- है, तो मैं इस 2- को यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, और एक को यहाँ लिखता, एक जो होगा एक वो लिखा नहीं जाएगा क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं लिखा उसके नीचे एक लिख दोगे और एक लिखा नहीं जाएगा तो Na2SO4। तो आप इस मेथड से करो या इस मेथड से, लेकिन हमारा फॉर्मूला सही होना चाहिए, हमारा टारगेट है कि हमारा फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर होना चाहिए।
नेक्स्ट है हमारे पास, मैंने बेरियम का बता दिया था, बेरियम के बाद आता है एल्यूमिनियम, क्योंकि मैं पॉजिटिव चार्ज के बारे में लिखवा रहा हूँ। एल्यूमिनियम का सिंबल लिखना पड़ेगा आपको, Al3+। एल्यूमिनियम है और उसके ऊपर क्या है, थ्री चार्ज। हमेशा ध्यान रखना है कि इस पर थ्री चार्ज होता है, जिससे फॉर्मूला आप बना सकते हो। उसके बाद आता है लेड, लेड लेड पर चार्ज होता है Pb, और Pb के ऊपर होता है 2+। सेम चीज क्या होती है, निकल आता है, निकल, निकल पर चार्ज होता है 2+। जिंक, जिंक पर आपको चार्ज ध्यान रखना पड़ेगा 2+। कोबाल्ट, कोबाल्ट पर चार्ज ध्यान रखना पड़ेगा 2+। उसके बाद नेक्स्ट आएगा मेरे पास कॉपर, कॉपर पर चार्ज ध्यान रखना पड़ेगा आपको 1+ भी होता है कॉपर पर चार्ज, और कॉपर पर चार्ज 2+ भी होता है, 1+ भी और 2+ भी, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास होता है आयरन, आयरन पर चार्ज 2 भी होता है और 3+ भी होता है, दोनों। तो यहाँ तक आपको क्या है, सिल्वर का मैं बता ही चुका हूँ, सिल्वर का, सोडियम का, पोटेशियम का, ठीक है, लिथियम पर भी 1+ होता है, और कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, बेरियम का, बेरिलियम का, ठीक है, एल्युमिनियम, लेड, निकिल, जिंक, कोबाल्ट, कॉपर, आयरन, आपको चार्ज पॉजिटिव आयन। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखने आए, कुछ नेगेटिव आयन्स और भी हैं जो जिन पर आपको चार्ज, उसमें मैं क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट, इनको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसके बाद हमारे पास आता है सल्फेट के बाद, इसमें और बहुत सारे हमारे पास आयन्स हैं, और उन आयन्स में क्या होगा कि एक होगा NO3- NO3- को मैं बोलूँगा नाइट्रेट, नाइट्रेट बोलूँगा। एक होता है NO2-, NO2- को बोलूँगा मैं नाइट्राइट, नाइट्राइट। एक होता है N3- को बोलूँगा मैं नाइट्राइड, नाइट्राइड। उसके बाद होगा मेरे पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O2-, O2- को मैं बोलूँगा ऑक्साइड। उसके बाद होता है O2-, O2-, को बोलूँगा मैं परऑक्साइड, O2-, को मैं बोलूँगा परऑक्साइड। ऐसे ही O2- को बोलूँगा मैं सुपरऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। ये आपको ऑक्साइड में ध्यान रखने हैं, ये आपको नाइट्रेट वाले ध्यान रखने हैं। अब बात आती है सल्फर वाला, सल्फर में सल्फेट को मैं बता चुका हूँ, अभी पॉजिटिव चार्ज आयन्स तो आपको यही ध्यान रखने हैं, मैं सारे लिख चुका हूँ जो भी जरूरत के हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास एस, S2-, इसको बोलूँगा मैं सल्फाइड, सल्फाइड बोलूँगा। SO3-, इसे मैं बोलूँगा सल्फाइट, सल्फाइट बोलूँगा इसको मैं, ठीक है। उसके बाद Cl3-, क्लोरेट बोलूँगा इसको, क्लोरेट। ये सब आपको ध्यान रखने हैं, क्लोरेट। उसके बाद आता है नेक्स्ट Br3-, इसको ध्यान रखना है आपको ब्रोमेट, ब्रोमेट ध्यान रखना है। नेक्स्ट होता है हमारे पास CH3COO-, इसे मैं बोलूँगा एसीटेट, इसे मैं बोलूँगा एसीटेट। तो ये हमें ध्यान रखने हैं, नाइट्रेट है, सल्फेट है, नाइट्राइट है, नाइट्राइड है, ऑक्साइड है, सल्फाइड है, सुपर ऑक्साइड है। ये सारे सिंबल आपको पता होना चाहिए, प्लस इन पर जो चार्ज है वो तो मस्ट है। यदि आपको चार्ज पता नहीं है तो आप नाम नहीं लिख सकते हैं, कंपाउंड का नाम नहीं लिख सकते हैं, यदि मेटल पर या फिर आयन पर आपको चार्ज नहीं पता है, ठीक है। हम कुछ और भी एग्जांपल लेकर अपनी कंपाउंड बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। जैसे मुझे लिखना है एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। मैंने अभी बताया है एल्यूमिनियम पर चार्ज होता है Al3+, और सल्फेट पर चार्ज होता है SO4-, इसकी वैलेंसी यहाँ पर और इसकी वैलेंसी यहाँ पर, तो दो की मल्टीप्लाई यहाँ होनी है और 3 की मल्टीप्लाई यहाँ होनी है, लेकिन
अब हमें इसका सिंबल कैसे बनाएंगे? इसको हटा देंगे, चार्ज को तो लिखेंगे नहीं, चार्ज को नहीं लिखेंगे तो सिंबल क्या बनेगा बताइए? Al2 और ब्रैकेट में SO4 3 नेगेटिव। हमें ये भी सीखना है कि ब्रैकेट कहाँ पर आना है, किसके लिए ब्रैकेट आना है। सबसे पहले ब्रैकेट तब आता है जब ये आयन में दोनों एटम डिफरेंट होते हैं, आयन में दोनों एटम डिफरेंट होते हैं और जो संख्या मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ वो एक से ज़्यादा होती है, एक से ज़्यादा संख्या होनी चाहिए और दोनों एटम डिफरेंट होने चाहिए। जैसे मैं लिखूँ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्लोराइड, मैं एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला, एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है Al और उस पर कितना चार्ज आना है 3+, और क्लोराइड का फॉर्मूला होता है Cl, तो इसकी वैलेंस यहाँ लिखी जाती है क्योंकि एक वैलेंस इतना ही लिखेंगे और इसकी वैलेंस यहाँ लिखी जाएगी, तो फॉर्मूला हो जाएगा AlCl3। अब मैंने यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाया, ब्रैकेट मैंने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये जो क्लोरीन है ये एक ही एलिमेंट का सिंबल है, एक ही एलिमेंट का सिंबल है, लेकिन यहाँ पर क्या मैं क्या लिखता हूँ, मैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मैंने लिखा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो एल्यूमिनियम का सिंबल क्या हो जाएगा Al3+ और हाइड्रोक्साइड का सिंबल हो जाएगा OH-, राइट। अब इसका वैलेंसी यहाँ पे लिखी जाएगी, इसकी वैलेंसी यहाँ पर, और ये एक है, एक को लिखते नहीं है तो Al हो जाएगा और यहाँ पर आएगा OH का होल थ्राइस। देखो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाया है, इसका वैल्यू 3 थी लेकिन ब्रैकेट नहीं लगाया, कारण क्या है, वो एक ही एलिमेंट का सिंबल है, मतलब जो बना हुआ है आयन वो एक ही एलिमेंट से बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैंने 3 लगाया है क्योंकि ये दोनों एलिमेंट जो हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है, या दोनों एटम जो हैं वो अलग अलग हैं, इसलिए यदि मैं ब्रैकेट नहीं लगाता तो H किसके नीचे आता, H के नीचे 3 आता, तो हम सोचते हैं इसमें 3 H है, लेकिन नहीं, इसमें दोनों ही OB और H भी 3 है, तो उसके लिए मुझे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तब लिखना पड़ेगा 3। तो जहाँ पर क्या होता है, एक से ज़्यादा एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं किसी आयन को बनाने में और उसकी संख्या मुझे 2 या 2 से ज़्यादा लिखनी होती है, तब उसे ब्रैकेट में ज़रूर लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमें भूलना नहीं है, ये ऐसे बेसिक पॉइंट हैं जो 10th क्लास में आपको ध्यान ही रखने हैं। उसके बाद और भी नाम सीखते हैं, जैसे लेड नाइट्रेट का हमें क्या लिखना है, सिंबल लिखना है, व्हाट इज द सिंबल ऑफ लेड नाइट्रेट। तो लेड का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, मैंने लिखवा चुका हूँ Pb और उस पर चार 2+। नाइट्रेट सिंबल NO3 और NO3 पर होता है माइनस का वन, तो इसका वैलेंस यहाँ लिखनी है, इसकी यहाँ पे लिखनी है, तो क्या हो जाएगा Pb। अब दोनों एटम अलग अलग है, दोनों एटम क्या है अलग अलग है, तो इनका क्या हो जाएगा होल ट्वाइस। ब्रैकेट में आपको लिखना जरूरी है, ब्रैकेट में नहीं लिखोगे तो फिर क्या है, सिंबल हमारा क्या है प्रॉपर रिप्रेजेंट नहीं होगा, हमें ऐसा लगेगा कि 3 2 के नीचे आ रहा है तो वहां से उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसकी कोई संख्या नहीं है, कंसिडर नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको क्या है, सारे एलिमेंट्स याद रखने हैं जितने भी हैं, और फिर इनसे फॉर्मूले बना बना कर देखने हैं और आपको नेम लिखना है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड का मुझे फॉर्मूला लिखना हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना हो, ठीक है, तो ये मेटल है मैग्नीशियम, इस पर कितना चार्ज है 2+, और ऑक्सीजन पर भी 2-, और क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है तो चार्ज जब सेम होता है तो दोनों की वैलेंस कैंसिल आउट हो जाती है, ऐसे केस में मेरे पास हो जाएगा MgO, क्योंकि भाई यहाँ पे 2 लिखने वाला हूँ, यहाँ पे 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास, केवल MgO, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है। ये तो हमें ध्यान रखना है, जो मैंने सिंबल बताए हैं ना, उनको सिंबल को आधार मानकर उनको प्रॉपर लर्न करके, और जितने भी नाम ऐसे लिखे जा सकते हैं उनको, लेकिन कुछ नाम और भी होते हैं जिनके लिए हमें कुछ और ध्यान रखना होता है, वो कौन से नाम है, तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ आयरन के बारे में। मैंने आयरन लिखा है आयरन, और मैं जानता हूं इसकी वैलेंस, इसका सिंबल क्या होता है Fe, और Fe की 2 वैलेंसी होती है, 2+ और 1 वैलेंसी होती है मेरे प्यारे बच्चों 3+, एक 2+ होती है और एक 3+। तो कम वैलेंसी के लिए जहां पर वैलेंसी लेस होती है, यानी लेस चार्ज है या लेस वैलेंसी है या लेस ऑक्सीडेशन नंबर है, उसके लिए लाते हैं हम OUS, और जहां पर क्या होता है चार्ज ज्यादा है यानी मोर है, मोर ऑक्सीडेशन नंबर है या फिर उसकी मोर वैलेंसी है, ठीक है, तो उसके लिए लाते हैं मेरे प्यारे बच्चों एक लाते हैं। जैसे इस आयरन को अब मैं जब नाम लिखूंगा तो इसका लेटिन नेम लिखूंगा, तो फेरस, इसका फेरम होता है, तो मैं फेरम को ले लेता हूं,
F-E-R-R, इसके मैंने ये वर्ड ले लिए और उसके पीछे लगा देंगे अस। तो जब भी जहां पर भी Fe2+ है, आई मीन आयरन अपनी F, 2+ वैलेंसी में, तब उसका लिखा जाएगा फेरस, और क्योंकि उसमें अस लगाना है कम वैलेंसी के लिए, और जिसमें क्या है आयरन की वैलेंसी ज्यादा है उसमें लगाना है मुझे इक लगाना है, तो फेरिक हो जाएगा। यहीं पर मैं नाम क्लियर कर देता हूँ, जैसे मुझे लिखना हो FeSO4, क्योंकि मुझे पता है SO4 पर एक फिक्स चार्ज है 2 नेगेटिव, जब 2 नेगेटिव S पर है तो Fe पर कितना हो जाएगा 2 पॉजिटिव, तो दोनों का लिखा नहीं जाएगा। अब मुझे FeSO4 का नाम लिखना है, तो FeSO4 का नाम हो जाएगा क्योंकि दोनों में आयरन की वैलेंसी क्या है इसमें प्लस 2 है, तो फेरस और SO4 के लिए क्या लिखूंगा सल्फेट लिखूंगा, फेरस सल्फेट। ऐसे ही क्या हो जाएगा फेरिक सल्फेट, ऐसे ही हो जाएगा फेरिक सल्फेट। अब क्योंकि फेरिक के लिए मैं क्या लिखूंगा Fe3+, Fe3+, और SO4 के लिए क्या लिखूंगा 2 नेगेटिव, तो वैलेंसी चेंज हो जाएगी इस प्रकार से, तो सिंपल हो जाएगा FeSO4 का होल थ्राइस और यहां पर 2 आ जाएगा Fe2SO4 का होल थ्राइस। इस प्रकार से जब भी आप क्या है आयरन FeSO4 का नाम लिखते हैं तो फेरस सल्फेट बोलते हैं, और Fe2SO4 का नाम लिखते हैं तो फेरिक सल्फेट बोलते हैं, क्योंकि FeSO4 में Fe की वैलेंसी 2+ है और SO4 की 3+ है। लेकिन ये जो मैं नाम बता रहा हूँ अस और एक, ये तभी लगानी है जब एक एलिमेंट केवल दो वैलेंसी शो करता है, दो से ज्यादा नहीं, क्योंकि दो से ज्यादा जब वैलेंसी शो करेगा या दो से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, ठीक है, ऐसे केस में हमें नेमिंग का अलग मेथड अप्लाई करना है। जैसे नेक्स्ट है हमारे पास कि हमारा आयरन है और आयरन में मुझे पता है आयरन दो प्रकार की वैलेंसी शो करता है, Fe2+ या दो प्रकार की ऑक्सीडेशन नंबर Fe3+, तो दो प्रकार के हमारे पास क्या है ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है, और मुझे लिखना है फॉर्मूला फेरस ऑक्साइड का। मुझे पता है फेरस के लिए क्या आयन लगाऊंगा मैं Fe2+, ऑक्साइड के लिए 2 नेगेटिव, दोनों सेम है तो फॉर्मूला हो गया FeO। दूसरे केस में मेरे पास Fe3+ है तो मुझे लिखना है फेरिक ऑक्साइड, तो फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा Fe के ऊपर 3+ लगाऊंगा और ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव और इसको ऐसे, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा Fe2O3। तो ये मेरे प्यारे बच्चों बनेगा फेरिक ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड, ठीक है, ऐसे ही फेरस सल्फेट और फेरिक सल्फेट। तो जहां पर क्या है एक एलिमेंट दो प्रकार की ऑक्सीडेशन नंबर दिखा रहा है, दो प्रकार के चार्ज दिखा रहा है, ठीक है, तो ऐसे केस में हमें क्या है कम चार्ज के लिए अस लगाना है और ज्यादा चार्ज के लिए इक लगाना है, और मेटल का लेटिन नेम लेके आना है जो उसका लेटिन नेम। तो जहां पर आपको फेरस सल्फेट लिखा दिखे, फेरिक सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, वहां पर आपको ये हेल्प करेगा उनके नाम को समझने में। नेक्स्ट है स्टॉक नोटेशन, स्टॉक नोटेशन। तो कभी कभी बच्चों क्या होता है कि एक ही एलिमेंट एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा, दो से भी ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, एक एलिमेंट दो से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, ऐसे केस में हम क्या काम करेंगे उनका नाम कैसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे FeO और एक Fe2O3 का ही नाम लिखना है, तो मुझे बताया यहाँ पर यदि मैं इसको अस और एक के उसमें लिखूंगा तो फेरस और फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा, लेकिन जब स्टॉक नोटेशन से लिखते हैं किसी का नाम तो हम उसमें मेटल का नाम लाते हैं, मेटल का नाम है जो इंग्लिश नेम है इसका तो आयरन है, और इसकी यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आएगी रोमन नंबर में सेकंड लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पर एफ की वैलेंसी सेकंड है, और बाद में लगाऊंगा मैं ऑक्साइड, इसको बोलते हैं स्टॉक नोटेशन। अब इससे क्या होता है वो हमारी समस्या दूर हो जाती है अस और एक वाली, क्योंकि अस और एक वाली केवल उनके लिए ही वैलिड है जो एलिमेंट दो ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, यदि दो से ज्यादा शो करते हैं तो हम उनको क्या है ऐसे बराबर बराबर में लिखते रहते हैं। जैसे इसका हो जाएगा आयरन थर्ड ऑक्साइड, पहले वाले का सेकेंड ऑक्साइड क्योंकि आयरन की वैलेंसी प्लस 2 है, इसका थर्ड ऑक्साइड क्योंकि आयरन की वैलेंसी थर्ड है। मान लीजिए एक एलिमेंट की और ज्यादा वैलेंसी होती तो ऐसे ही क्या है उसका नाम प्लस ब्रैकेट में लेके आते रोमन नंबर का उसकी ऑक्सीडेशन नंबर, और कितने भी एलिमेंट एक नॉन मेटल
एक नॉन मेटल प्लस दूसरी नॉन मेटल से जोड़ते हैं, एक नॉन मेटल को दूसरी नॉन मेटल से। अब नॉन मेटल का आपको पता होना चाहिए कि नॉन मेटल कौन कौन से हैं। देखो, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, उसके बाद क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ठीक है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखने हैं, कार्बन हो गया, बोरॉन हो गया, तो ये हमें ध्यान रखने हैं कि ये सारे एलिमेंट जो होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं। ये सब क्या होते हैं? नॉन मेटल। तो जब एक नॉन मेटल कोई दूसरी नॉन मेटल से कंबाइंड होती है तो फिर उनमें नाम में क्या, कैसे उनका नाम लिखें, कैसे पहचान। जैसे कार्बन है मेरे पास और वो ऑक्सीजन से जुड़ा तो बना कार्बन, ठीक है, CO बना सिंपल। लेकिन एक बार कार्बन दो ऑक्सीजन से जुड़ा तब बना CO2, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, कैसे समझेंगे, कैसे इस प्रकार के नामों को लिखा जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि जब कोई एक संख्या होती है तो उसके लिए मेरे प्यारे बच्चों मोनो लगाते हैं, और वही संख्या दो होती है तो उसके लिए डाई लगाते हैं, तीन होती है तो क्या लगाते हैं, ट्राई लगाते हैं, चार के लिए टेट्रा लगाते हैं, चार के लिए टेट्रा लगाते हैं, पांच के लिए पेंटा लगाते हैं, पेंटा, छह के लिए हेक्सा लगाते हैं, सात के लिए हेप्टा लगाते हैं, आठ के लिए ऑक्टा लगाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वन के लिए हो, जब एक मेटल दूसरी मेटल से कंबाइंड होती है तो पहली मेटल की संख्या यदि एक है तो उसके नाम ऐसे ही लाएंगे, तो कार्बन हो जाएगा इसका कार्बन। लेकिन ऑक्सीजन कितना है इसके अंदर, एक ऑक्सीजन है। दूसरी मेटल की संख्या भी आते हैं, संख्या कितनी है इसकी, एक, और इसको बोलूंगा क्या, ऑक्साइड। नाम हो गया कार्बन मोनो ऑक्साइड। सिमिलरली ये कार्बन है, संख्या एक है इसकी, लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं इसके अंदर, दो, तो कार्बन डाई ऑक्साइड। सिमिलरली NO2 नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड नाम हो जाएगा इसका। अब इसे नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं बोलेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। देखो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, जितने भी ये मैं लिख रहा हूं ये सब कहीं ना कहीं क्या है, केमिस्ट्री में आते हैं, पहले ही चैप्टर में इनका यूज है, सब कुछ पूछा जाएगा, फॉर्मूले और सिंबल पर ही पूरा चैप्टर टिका हुआ है। तो ये सारे हमें एक दूसरे से, एक दूसरे से याद रखना है, एक एक चीज को लर्न करना है। सिमिलरली N2O डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इसका नाम लिखेगा डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। जैसे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, PCl5 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, ठीक है ना, IF7 आयोडीन हेप्टा फ्लोराइड, आयोडीन हेप्टा फ्लोराइड। तो ये हमें ध्यान रखने हैं कि जब एक नॉन मेटल दूसरी से कंबाइंड होती है तो पहली नॉन मेटल की संख्या यदि एक है तो उसे ऐसे लिख देते हैं, यदि दूसरे की संख्या एक है तो उसके लिए मोनो लगाते हैं, दो है तो डाई लगाते हैं, तीन है तो ट्राई लगाते हैं, चार है तो टेट्रा लगाते हैं। ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है बच्चों कि यदि हमें ये सारी चीजें बताए ना तो फिर चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। जब हमें नाम पता चल जाता है, सिंपल पता चल जाता है, तो हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, ना तो क्वेश्चन को समझने में ना ही क्वेश्चन को पढ़ने में। तो ये हमें सारे नाम ध्यान रखने हैं, नॉन मेटल का केस आपको ध्यान रखना है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात मैं बताने वाला हूँ वो क्या बताने वाला हूँ कि यदि हमारे पास क्या है, कुछ हमें एज ए केमिकल रिएक्शन में कोई केमिकल रिएक्शन लिखना चाह रहा हूँ तो केमिकल रिएक्शन में मेटल जो होती है वो एलिमेंटल फॉर्म में लिखी जा सकती है, ध्यान रखना। सोडियम को Na लिख सकते हो, मैग्नीशियम को Mg लिख सकते हो, एल्युमिनियम को Al लिख सकते हो, लेकिन जब आप नॉन मेटल को लिखेंगे या किसी गैस को लिखेंगे जब मैं केमिकल रिएक्शन में यूज